नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। आगरा बल्केश्वर वाटर वर्कर्स स्थित अतिथि वन में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा नंद उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंजू गुप्ता व निशा अग्रवाल ने राधा कृष्ण की मूर्ति के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में महिलाओं ने धार्मिक गीतों पर नृत्य कर जज का मन मोह लिया। साथ ही महिलाओं ने तंबोला गेम, मटकी सज्जा और डांडिया नृत्य कर मनोरंजन किया। प्रदेश महामंत्री मंजू गुप्ता, महिला आयोग निशे शर्मा, लवली मीनू अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल आदि महिलाएं पदाधिकारी उपस्थित रहीं। आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइवेटी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन एक ऐसी संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है और वैश्यों के सभी 350 से 400 के उपवर्ग जो हैं उन सबको सम्मिलित करने का काम हम कर रहे हैं। तो इसी संगठन के अंतर्गत आज आगरा महानगर की महिला इकाई ने नंदोत्सव का आयोजन किया है। जन्माष्टमी अभी निकल कर गई है और जन्माष्टमी का पर्व हमें ये महसूस कराता है कि जब भी अज्ञानता या अधर्म का उत्थान ज़्यादा होने लगेगा और जब आवश्यकता होगी कि कोई आए और धर्म की स्थापना पुनः करे तो उस समय भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं और सज्जनों की और साधुओं की उनको त्राण से मुक्ति देते हैं। तो इसी को भाव बनाते हुए, इसी को आधार बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की आगरा इकाई ने आज नंदोत्सव का आयोजन किया है और मन में यही उत्साह और यही भाव है कि सभी लोग एकजुट हों, धर्म की स्थापना हो और इस समय जो देश में परिस्थितियां छाई हुई हैं पूरे संपूर्ण विश्व में जो अधर्म की स्थापना हो रही है उस अधर्म का नाश किया जाए, पुनः भगवान कृष्ण इस कलयुग में अवतार लें। मेरा नाम निशा अग्रवाल है। मैं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन महिला इकाई महानगर की आगरा की शाखा हूँ। इसमें आज 60 से लेकर 70 महिलाएं हैं। 60 की उम्मीद थी पर 70-80 महिला हमारी आई आज प्रोग्राम में। उनके लिए आगे के प्रोग्राम के लिए क्या उद्देश्य होगा आपका? इसके बाद प्रोग्राम क्या करना है, इसका क्वेश्चन आपका। तो देखिए, हम नंदोत्सव किया है हमने, इसके बाद और भी त्यौहार आते हैं या कुछ सामाजिक कार्य भी होते हैं वो भी करते हैं हम मिलकर के। वो हमारी कार्यकारिणी करती है और ये कुछ महिलाएँ हमारी और भी जुड़ी हुई संस्था से वो कुछ कार्यक्रम में ऐसे सामाजिक कार्य तो उसमें कम महिलाएँ आ पाती हैं, पर ऐसे उत्सव एंटरटेनमेंट के लिए जो ऐसे उत्सव होते हैं जिसमें कि उत्साह होता है थोड़ा उसमें अधिक संख्या भी आ जाती है। उसमें कुछ भी संख्या जैसे कम हो गई कभी ज़्यादा हो गई ऐसा होता रहता है कार्यक्रम।